तेरे लिए जरूरी है। रेवर से हट के जो चलेगा, वक्ती तन्हाई तो तेरी होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ल्ड विल बी स्टैंडिंग विद यू, एक्सेप्ट फॉर दैट हर्ट जो आपके साथ लिखा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, मैं कह रहा हूं घबराई नहीं। The hardest walk you can make is the walk you make alone. And the toughest climb always gets you the best destination. अकेला होता है इंसान नजरियात को वो दवाम बख्शने के लिए, नजरियात को पोटेंशियल को वो मकान बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, वक्त की नजाकतों को वो रफाकतें बख्शने के लिए तन्हाई चाहिए होती है बेटा। तन्हाई, उन तन्हाइयों के अंदर इमाम पैदा होता है, उन तन्हाइयों में वो क्यादत जन्म लेती है। अकेला होता है वो एक इंसान जिस दिन वो ये कहता है कि मैं आजाद करूंगा अपने आप को, मैं सच बोलूंगा अपने आप से, मैं झूठ के सहारे से रिश्ते की बुनियाद भी रखूंगा, ना अल्लाह के साथ बोलूंगा झूठ, ना कौम के साथ झूठ बोलूंगा। सच्चाई वक्ती डिप्रेशन ला सकती है, लेकिन ऑन द लॉन्गर रन जीत तेरी होगी बेटा, जीत भी तेरी होगी, मकान भी तेरा होगा, जमाना भी तेरा होगा और मकान भी तेरा होगा। याद रखिए, ये सुकून है कि मैंने चंद टकों पे अपने आप को बेच नहीं डाला, मैंने एवरेज पे सेटल नहीं किया, मैंने लाइफ लेस ऑर्डिनरी से लाइफ मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुजारी, मैंने वो रूट लिया जिस पे कलेजा और गुर्दा नहीं था लोगों का जाने के लिए, मैंने वो सारे झूठ से आजाद कराया जो बचपन से मुझे डाला गया था। तो क्या हुआ अगर कुछ सफे स्याह नहीं हुए, क्या हुआ कुछ तारीखें मसक नहीं हुई, क्या हुआ कुछ बचपने कुर्बान नहीं हुए, क्या हुआ कुछ ज्यादतियों को वजूद दे दिया गया? अगर ये ना होती तो कैसे उस मकाम को तू इंजॉय करेगा, कैसे तारीख और माजी को याद करेगा अपनी? तो होने दे ये जो हुआ है, सुकून रख उस यकीन के साथ। अगर जाहिर के लिहाज से तू कमजोर भी है, मगर अगर तेरा कलेजा, तेरा सीना, तेरा जिगर मजबूत है बेटा, दुनिया की कोई चीज तेरा माल दौलत धन तो लेके जा सकती है, मगर कलेजे से तेरा सुकून कैसे चोरी कर सकता है कोई? हाउ कैन द वर्ल्ड स्टील द वैल्यूज फ्रॉम योर हार्ट? दुनिया तेरे नजरियात को कैसे कतल कर सकते हैं बेटा? तू मर के भी अमर हो जाएगा। इसलिए खोलो सूरह बुरूज, उठाओ असहाबुल उखदूद का किस्सा। एक बच्चे ने एक बादशाह के सामने एक हक की बात कबूल की, उसने 3 अटेम्प्ट्स की उसको मर्डर करने की, मगर वो हर अटेम्प्ट में बच जाता सिर्फ एक दुआ पढ़ के, अल्लाह मक्फिनी बिमा शेता, ओ गॉड बी इनफ फॉर मी, बी सफिशिएंट इनफ फॉर मी अगेंस्ट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी इन फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, इन फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स, जो पहाड़ और तूफान दुनिया ने मेरे आगे खड़े कर दिए मेरे मालिक, तू मुझे उसके सामने तू काफी हो जा। वो बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन जब बादशाह उसे कहता है, वो बादशाह को खुद कहता है कि मैं तुझे बताता हूं मुझे कैसे मारना है, उसने कहा तूने मुझे मारना है, तूने अल्लाह का नाम लेके मारना है। उसने अल्लाह का नाम लिया, पूरी कौम मुसलमान हो गई, पूरी कौम मुसलमान हुई। बादशाह वहीं पर हिल गया कि ये हुआ क्या है, तो उसके बाद उसने पूरी कौम जला दी। उठाओ सूरह बुरूज, पूरी कौम जला दी। और कुरान में आता है वो उस खंदकों के अंदर जहां मुसलमान जलाए जा रहे थे, जहां पे इंसानियत जलाई जा रही थी, वो बैठ के शहूद देख रहे थे, तो अल्लाह ने उस लमहे के ऊपर कुरान में कहा है वालिकल फौजुल कबीर, दिस इज नॉट इंडीड अ सक्सेस, इट इज इंडीड अ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि उनकी वैल्यूज जी गई, चाहे जिस्म जल गया उनका। वैसे अगर तेरी वैल्यू जी गई है बेटा, अगर तेरा नजरिया जीत गया है, तो ये जाहिर की बात ना सोच, ये जाहिर के दर्द को मत सोच, ये जाहिर की तकलीफ का कोई परेशानी ना कर बेटा। ये तो तारीख है इस सफर की, ये तो तारीख है इस मान का, इस सम्मान का, ये तारीख है इस दर्द की बेटा, कि वो जलाया जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है और बखेर दिया जाता है, कितने इसमें खत्म और अदम हो जाते हैं जाहरी लिहाज से। लेकिन अगर तेरा जाहरी वजूद इफ योर फिजिकल आउटवर्ड डिमेंशन ऑफ योर लाइफ गोज इन टू नॉन एग्जिस्टेंस, अल्लाह तुझे फिर भी कामयाब करता है, कि तेरी वैल्यू जिंदा है, तेरी सोच जिंदा रह गई, तेरी लेगेसी दुनिया में जिंदा रहेगी बेटा। अपने वजूद को लोगों की सोच से बड़ा कर, अपने वजूद को अपने आप से भी बड़ा कर दे, क्या ले लेंगे ये तुझसे तेरा। एज इमाम इब्न तैमिया यूज्ड टू से रहमहुल्लाह, इफ यू विल किल मी आई विल बी अ मार्टर, इफ यू विल एग्जाइल मी I will have the privilege of doing hijra in the way of Allah. And if you imprison me, I will have the privacy of remembering my God. You can do nothing against me. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बना अपने आप को ऐसा बेटा, जिसके मन और तन आजाद होते हैं, जिसके मन और तन किसी के गुलाम नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते, हासिद नहीं होते और आजिज होते हैं और सच के साथ जुड़े होते हैं। ये जेलें और सलाखें भी तेरा क्या बिगाड़ लेगी बच्चे? इसलिए अगर कहीं शिकस्त हो जाए, दिल टूट जाए, किसी की बात चुप जाए, किसी के अल्फाज चीर दे सीना, वो सीना जो तलवार से ज्यादा घाव रखते हैं, ये अल्फाज जो होते हैं लोग। और याद रखिए,
इस सफर की शान है, इस सफर का एक मान है और एक सफर का एक भ्रम है कि इसके अंदर तीरों के रुख तेरी तरफ होंगे, तेरे खिलाफ भी होंगे, तेरी कमर पे होंगे और तेरी छातियों पे होंगे। जिंदगी की शान यह है बेटा, अगर तू अपने नफ्स की गुलामी से, इस नफ्स के दर्द से, माजी के गम से, उस साइकोपैथी से, उन तमस्कर से, उन संजीदगियों में जिस दिन तू कदम रखेगा कुछ बनने की, तो देखी ये दुनिया के तीर तेरी तरफ होंगे, क्योंकि तेरा वजूद एक दलील होगा जो उन्हें याद दिलाता होगा कि तू कर सकता था, तू रुक सकता था, तू थम सकता था, तू बढ़ सकता था, तू उस इर्तिफा को, उस मेराज को पा सकता था, मगर तू ना कर सका। तेरी तरक्की उन्हें अपनी उस बुजदली, उन्हें अपनी उस डरपोकी और उस कायरता की याद दिलाती है, इसलिए तो वो तुझ पे हमले करते हैं। तो क्या हुआ माजी में अगर कुछ छिन गया, वो अगर मिल जाता तो आज तू यहाँ ना होता, वो मिल जाता तो आज हम यहाँ ना होते, वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुसन कैसे जमाल तक पहुंच सकता था। वो इश्क वो नहीं सही था तेरे लिए। आजाद कर अपने आप को उन गमों से, आजाद कर और तीन लफ्ज कह के कदम आगे बढ़ा, दिल में बहुत ठहराव और सुकून होगा। कद्दर अल्लाहुम्मा शाह, अल्लाह ने जो आसमानों पे लिखा है वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं गिले नहीं करता यहाँ, गिले ना कर, रंग ना कर। इंसान के कलेजे को कभी सुकून मुयस्सर नहीं हो सकता जितनी वो फैंटेसीज में रहेगा, जितने वो फनेटिसिज्म में रहेगा। हमारा दीन और हमारा शियार और हमारा शऊर, हमारी तरबियत, हमारी कौम के बच्चों को हम फैंटेसाइज वर्जन पे बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहते। फैंटेसी अच्छी है अगर वो उम्मीद खड़ी करे इंसान, फैंटेसी अच्छी है अगर वो प्रोडक्टिविटी उठाए उसके अंदर, फैंटेसी अच्छी है अगर वो उसके अंदर वो होपलेसनेस खत्म करे। वो अफसाने अच्छे हैं कि उन मकामों में पहुंच के इंशाल्लाह ताला दुनिया मेरे काम से फायदा उठाएगी, ये फैंटेसी अच्छी है। अपनी जिंदगी के अंदर ये अफसाने रखो कि मैं एक तकरीर बनूंगा, मैं एक कलम बनूंगा, मैं एक सांस बनूंगा, एक एहसास बनूंगा लोगों का, ये फैंटेसी। मगर हकीकत पर रखना उसको, इसमें मौके होंगे। तेरी कहानी के अंदर जमीन आसमान हिलाएगा अल्लाह। मैं तुझे कहता हूँ बेटा, परेशान न हुई, घबराई नहीं। तेरी कहानी के अंदर पे के तीन नुक्ते लोग पूछते हैं, क्या ये पेड़ से, पे के नीचे तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते अल्लाह करेगा। टिका रहे, खड़ा रहे, मैं तुझे कह रहा हूँ घबराई नहीं। वहां पर इंशाल्लाह ये जमीन आसमान तेरे लिए खजाना खोल देंगे। मैं यहाँ महज जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा। अफसानों से बाहर निकल, वो खुशियां जो तुझे दिखाई जा रही हैं वो फॉल्सिफाइड हैं, वो गम जो तुझे दिखाए जा रहे हैं वो भी फॉल्सिफाइड हैं। मंजे वे फील्ड के लोगों से जाके सीख जिंदगी क्या होती है बेटा। तुम्हारा पोटेंशियल दावत दे रहा है तुम्हें, वक्त तुम्हें दावत दे रहा है, हालात तुम्हें दावत दे रहे हैं, तेरे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे दावत दे रही है, तेरे अंदर का सेल्फ स्टीम तुझे दावत दे रहा है, दुनिया तुझे दावत दे रही है कि अपने आप को पहचान और अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान, अपनी हैसियत को पहचान, अपने मकान को पहचान, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो गुलामी से आजाद एक साइकोलॉजी ऊपर वाले स्ट्रैंड में बहुत ज्यादा मिलेगी, दूसरी साइकोलॉजी बनी इसराइल। बिलीव ही नहीं करना, ऑलवेज सेकंड पोजीशन, ऑलवेज अ साइड किक। हमें उस लीडरशिप के रोल को अपनाना ही नहीं है कभी। अगरचे दावतें खड़ी हुई है दुनिया जहां की कि यू हैव टू कैरी दिस विजन, वो कहीं अपने घर में दबके होंगे, कहीं अपने हस्बैंड से दबके होंगी वो बेचारियां, कहीं हस्बैंड भी दबे हुए होंगे, कहीं दोस्तों के हाथों दबा हुआ होगा, पर हर लिहाज से वो डिमीन्ड हुआ हुआ है। और वक्त का तकाजा कह रहा है कि कायनात की उस एक्सीलेंस का पोटेंशियल तुझे दावत दे रहा है कि तू कर सकता है। वो तब भी उस सच को कबूल नहीं करेगा और उस शक में ही रहेगा तो सुकून नहीं हासिल हो सकता। एक बहुत बड़ी कौम ने दुनिया को रिजेक्ट नहीं किया, एक बहुत बड़ी कौम ने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है, कुएं में बैठक बैठ के शेरों की बात करते हुए अच्छा तो लगेगा, लेकिन क्या ही बात होगी कि कुएं के अंदर बैठ के जब मेंढक आपस में डिस्कस कर रहे होंगे काश अगर और मगर। तू कर सकता था बेटा, लेकिन यू डिडंट हैव दैट सर्टेनिटी, वो यकीन जो बुनियादी फ्यूल था उस पूरे किले को चढ़ने के लिए, फिर उससे निकलने के लिए, फिर एक नई दुनिया में, नए दोस्तों में, नई ऑब्स्ट्रक्शन में, नए दुश्मनों के अंदर, नए मकामों के अंदर उस हिजरत को करने के लिए तेरे नफ्स ने वो शुजात ना अपनाई, वो बहादुरी ना अपनाई और लोग गुलामी में रह गए। तो वो ये कन्वीनियंस तो है मगर फॉल्सिफाइड कन्वीनियंस।
ये वो झूठा सुकून है जो अपने आप को पिलाना तो आसान था कि मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये इसलिए नहीं कर सका क्योंकि यही उनकी जिंदगी रह गई। आपको एक बड़ी वैरायटी मिलेगी लोगों की, जब उनसे विजन्स की बात करो, ख्वाब की बात करो, मकाम की बात करो, कलेजे की बात करो, जिगर की बात करो, सीने में पैदा होने वाले इस लोहे की बात करो, वो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि 30 साल लगे गला घोंटने के अंदर, 20 साल लगे अपने अंदर की मासूम जुर्रतमंद आवाज को गला घोंटने के अंदर, इसने आज एक मिनट के अंदर सारे पुराने पाप और गम याद दिला दिए। ये लोग कभी नहीं मिलेंगे, ये लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको कि ये हक को कबूल करें। तो एक लिहाज से वो फॉल्सिफाइड वर्जन बेसकूनी का हमेशा रहेगा। हाँ, झूठ को सकून कहना हो तो इट्स फाइन। जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है बेटा? ए भी तू मिन हा जमी, अल्लाह ने हमें अपने पास से दूर कर दिया। ये दुनिया हमारा घर नहीं थी। ये दुनिया में अब हैं, या मकाम बनाने हैं, या एक्चुअलाइजेशंस करनी है, या करियर परसू करने हैं, मैं उसके खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा तो कलेजे का गम यही है कि वी कांट सी अल्लाह सुभानहू व तआला। इसलिए तो मूसा अलैहि सलाम के पास इंटेलेक्ट के हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, साइकोलॉजी के सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे जब वो थे, एक्चुअलाइजेशन के सबसे मैग्निफाइड वर्जन पे जब वो थे, तब उन्होंने कहा अल्लाह आई वांट टू सी। तो अल्लाह ने कहा लन तरा, तू देख नहीं सकता। इससे बड़ा क्या गम होगा तेरा कि तुझे जिसने बनाया, तू कितनी मशीनें बनाता है और अपना ब्रांड लगाता है, तू कितने रिंग पिस्टन लाइनर कैमशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट है, कंप्रेशन रेशियोस, और फिर उसको पोल वाइंडिंग से जोड़ के, फिर अल्टरनेटर बना के, और फिर टर्बाइन से लगा के तू कितनी मशीनें बनाता है, कितने मेन बेयरिंग्स बनाता है, बिगिन बेयरिंग्स बनाता है, 0.25 की सेटिंग करता है, सारे इंजीनियर बैठे, और फिर इनमें अपना ठप्पा लगा जिसके ऊपर, जिस मशीन के ऊपर अल्लाह का नाम लगा हुआ है, इसे अल्लाह ने बनाया, तू अपने मेकर से जुड़े बगैर कैसे उसे इत्मीनान को पा सकता है।